सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर दिया। सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता देंगे, ये लोग विरोध करते हैं। भाई और बहनों, अभी हमने कहा था कि हम सीएए लाएंगे, जो हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता देंगे, ये लोग विरोध करते हैं। मगर कल ही मोदी सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर दिया। करोड़ों हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो आसपास के देशों से आए थे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का काम कल नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। जो अपने महिलाओं के सम्मान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने गौरव की रक्षा के लिए भारत की शरण में आए थे, इनको एक कांग्रेस वाले मजलिस टीआरएस विरोध करते थे, नागरिकता नहीं देने देते थे। नरेंद्र मोदी जी ने इनको नागरिकता देकर उनको सम्मान के साथ जीने का उनका स्वप्न पूरा किया है। और एक गलत फहमियां फैला रहे इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीएए के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है, हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। मगर ये लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं।